अभी लेटेस्ट SSCGD का फाइनल जो रिजल्ट है आ चुका है और हमारा जो अश्विनी कुमार है इसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। इसके लिए जोरदार तालियां। जय हिंद दोस्तों, हमारा SSCGD का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, अभी हमारा जो अश्विनी कुमार है इनका सिलेक्शन हो चुका है। हमारे एकेडमी से एक ही बंदा था जो कि फाइनल रिजल्ट तक क्लियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है। उनको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन और जोरदार तालियां। इसने दोस्तों 4 अटेम्प्ट किया है, 4 अटेम्प्ट ने इसने पूरा अपना जो सपना था डिफेंस का उसका क्लियर हो चुका है। अभी वो उसका दूसरा जिंदगी शुरू हो गया, अभी डिफेंस लाइन में आ गया। तो कभी हार नहीं माना, ये 4 अटेम्प्ट ने किया। और आपको पता ही है, सब लोग बोलते हैं कि घूस दे के होता है, कोई घूस घास नहीं चलता, अपने दम पर किया है। तो ये कुछ बताएगा आपको इसका एक्सपीरियंस क्या हासिल किया इसने, कैसे डिफेंस सर्विस किया और अभी रिजल्ट मिलने के बाद कैसा महसूस हो रहा है वो बताएगा आप लोगों को। ये एक मोटिवेशन दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी जो भी डिफेंस के लिए इच्छुक हैं और बिल्कुल कर सकते हो, कोई हरासमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से क्लियर कर सकते हो। चलो कुछ बताओ आप एक्सपीरियंस। सर, इससे पहले मैं 4 बार एग्ज़ाम दिया था, SSC पहले एयरफोर्स के ऊपर दिया था। सर, मेरे पहले रिटर्न हुआ था, इसमें 117 मार्क था 108 में से, और इसने अपने बल पर 117 मार्क लिया है रिटर्न के लिए। रिटर्न पास करने के बाद मेरा रनिंग हुआ था, सर ने बहुत हेल्प किया था, और फिजिकल में मैं थोड़ा वीक था, सर के हेल्प के वजह से मेरा 5 किलोमीटर 21 मिनट में 21 मिनट में क्लियर किया 5 किलोमीटर। और मैं थर्ड पोजीशन पे आया था रनिंग, मेरा तीसरा पोजीशन में ग्रुप में। ताली मारो, बंदा जा रहा है हमारे बीच में से डिफेंस में। मेडिकल कैसे हुआ बताओ? सर, मेडिकल मेरा CRPF भुवनेश्वर में था, और मेडिकल में तो इसको दोस्तों मैंने मेडिकल के लिए 2 महीने पहले इसको ही गाइड कर दिया कि मेडिकल जाके चेकअप करा, अपना जो स्पेशलिस्ट होते हैं चेकअप करा के जो भी थोड़ा बहुत कमी पेशी उसने क्लियर कर दिया और मेडिकल में बिल्कुल क्लियर हो गया। आज रिजल्ट आपके सामने है, और तो इसके लिए जोरदार ताली, कांग्रेचुलेशन। तो वीडियो कैसे लगा शेयर करके बताना। जय हिंद, जय भारत।